महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन पर छुट्टी, ये मांग आज की नहीं है, ये मांग सालों से चल रही है, लेकिन फर्क बस इतना है कि आज तक इस मांग को माना नहीं गया और अब युवा राजपूत सभा भी और उसके साथ अन्य कई संगठन भी जो है वो प्रदर्शन पर बैठ गए हैं, ठीक जहां महाराजा हरि सिंह का स्टैचू जो है वो जिस चौक में है उसी चौक पर, जहां पर सेक्शन 144 भी लगाया गया उसी चौक पर युवा राजपूत सभा भी और फिलहाल शिवसेना भी जो है वो समर्थन में यहां प्रदर्शन पर बैठ चुकी है। डिमांड बस यही कि महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन पर छुट्टी जो है वो 23 सितंबर को मिलनी चाहिए। शिवसेना के अध्यक्ष मनीष सहनी मेरे साथ इस समय मौजूद है, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर टेंट लगाए गए थे, यहाँ पर युवा राजपूत सभा प्रदर्शन कर रही थी, एडमिनिस्ट्रेशन ने सेक्शन 144 लगा दिया, इनका कहना है कि टेंट्स भी यहाँ से उखाड़ दिए और पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी ना किसी तरीके से यहाँ से ये लोग प्रदर्शन से उठ जाएं। ऐसे में अब शिवसेना जो है समर्थन करने के लिए आई है, क्या देखते हैं कि क्या सरकार आपकी मांगों को सुनेगी? देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जम्मू के लोगों के साथ डोगरा के साथ जो जबरदस्ती ये किया जा रहा है, उनकी शांतिपूर्ण ढंग से जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है लगातार। देखिए महाराजा हरि सिंह पूरे रियासत के राजा थे, ये जम्मू कश्मीर का प्रदर्शन है, वह महाराजा थे जिस कारण आज पूरा देश गर्व से कहता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है, अभिन्न अंग है, उनके जन्म दिवस पर छुट्टी नहीं दी जा रही, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। ये आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू के जो वकील है वो यहाँ पर मौजूद है, जो गाड़ी जो है सुबह से जम्मू में अलग अलग जगहों पर जम्मू बंद को ऑब्जर्व करवा रही थी, उन्होंने भी जो है वो समर्थन कर दिया युवा राजपूत सभा का, ये कहते हुए कि 23 सितंबर को महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन पर छुट्टी जो है वो होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू का भी जो है वो आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आज पूरे जम्मू शहर में जम्मू बंद को ऑब्जर्व किया गया और ऐसा लगता है कि ये जो प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हो गया है, एक तरफ जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू की मांगे, दूसरी तरफ युवा राजपूत सभा और जम्मू के अलग अलग राजनीतिक दलों की मांगे, जहां एक तरफ वकील जो है वो अपने कोर्ट कॉम्प्लेक्स को लेकर मांगे कर रख रहे हैं, वही युवा राजपूत सभा और अन्य राजनीतिक दल जो है वो महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी की मांग कर रहे हैं, और ये सभी इंस्टीट्यूशन सभी ऑर्गेनाइजेशन सभी एसोसिएशन जो है वो एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे का समर्थन करती नजर आ रही है, ये इंश्योर करने के लिए कि जो दुग्गर प्रदेश की बातें हैं वो आगे की जाए। ये आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस को रास्ता भी जो है वो दिया जा रहा है, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो मैं बात करना चाहूंगी कि कैसे देखते हैं कि जो सेक्शन 144 यहाँ पर लगाया गया, पहले भी प्रदर्शन होते हैं, हर जगह प्रदर्शन होते हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं, कई जॉब एस्पिरेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं, वहां पर इस तरीके की सख्ती नहीं देखने को मिलती जहाँ जो इस जगह पर देखने को मिली, तो क्या समझते हैं कि क्या कारण रहे? देखिए जम्मू की जनता देख रही है जिस तरीके से जम्मू की शांतिपूर्ण ढंग से जो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं युवा राजपूत सभा, बाकी इन तमाम धरना स्थलों पर 144 इम्पोज कर दिया जाता है, यहाँ पर जो है जनता की शांतिपूर्ण ढंग से जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, इसका खामियाजना भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में, क्योंकि ये तमाम किस पार्टी के इशारे पर हो रहा है जनता समझती है, तमाम प्रदर्शनकारी समझते हैं, तो जनता बिल्कुल तैयार बैठी है आने वाले समय में बीजेपी को सबक सिखाने के लिए। बीजेपी तो खुद बार बार बात करती है कि महाराजा हरि सिंह जी की जन्मदिन पर छुट्टी होनी चाहिए, तो वो इधर प्रदर्शन में क्यों नजर नहीं आ रहा? हाथी के दांत खाने वाले और हैं, दिखाने के और हैं, उसी तरह से बीजेपी जम्मू वासियों को ट्रीट कर रही है, डोगरास की खास करके आवाज को दबाया जा रहा है, टू बी ग्रांटेड लिया जा रहा है, जो आने वाले समय में इनको बहुत महंगा साबित होने वाला है। पिछली बार भी युवा राजपूत सभा ने जब प्रदर्शन किया तो घेराव भी किया था आपने भाजपा के जो है अध्यक्ष का, उसके बाद भी जो है वो देखने को ये मिल रहा है कि भाजपा का कोई वर्कर कोई कार्यकर्ता कोई लीडर कोई आपके आसपास यहाँ भड़कता नजर नहीं आ रहा, मानते हैं कि भाई उनका समर्थन जो है वो कहीं ना कहीं अब आपसे अलग हो चुका है, उनका समर्थन नहीं है? देखो वही बात हो गई, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कोई और होते हैं, भाजपा के जो लीडर हैं जहाँ जो जनता पूरी चाहती है छुट्टी हो लेकिन वो बोल नहीं सकते, उनके ऊपर उनके आका बैठे हुए हैं, उनको आका करने उनकी जो मुंडी मरोड़ के रखी हुई है, वो अपनी बात मनवाना चाहते हैं, लोग उनकी बात सुनना नहीं चाहते। मैं जम्मू की हर एक मुद्दे पे बोलना चाहूंगा, अगर ये सारा जम्मू बंद है सारे लोग सड़कों पे हैं तो फिर कहाँ पे मेरे बाजू ने कहाँ राम राज्य है? हम हिंदुस्तान में तिरंगा उठाने वाले आज सड़कों पर हैं और हम पे 144 लगाई जा रही है।
अक्सर देखने को ये मिलता है जब भी जम्मू बंद की कॉल दी जाती है तो भाजपा के भी वर्कर जो है उस जम्मू बंद को ऑब्जर्व करवाने में पूरे पूरा अपना योगदान देते थे। आज कोई भाजपा का वर्कर आपको कहीं पे किसी क्षेत्र में दिखा जम्मू बंद का कोई समर्थन करते हुए, कोई मदद करते? आप पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए, जब जब जम्मू बंद हुआ भाजपा वालों ने कितनी गाड़ियां तोड़ी होंगी, कितने लोगों के स्कूल में जाकर पेपर कैंसिल करवाए होंगे जम्मू की आवाज के लिए। लेकिन बदकिस्मती से मैं बावी वाली माता के मंदिर के सामने बैठा हूँ, मैं यही बोलता हूँ कि ये विपक्ष में ही अच्छे हैं। कम से कम अगर आज भाजपा विपक्ष में होती तो आज भाजपा पूरे जम्मू को लेकर यहाँ पे होती, लोगों को रोक नहीं रही थी। आज दबी जुबान से लोगों को रोका जा रहा है, सरपंचों को डराया जा रहा है, VDC मेंबरों को मना किया जा रहा है, पुलिस पर दबाव बढ़ाया जा रहा है, इससे ज्यादा और क्या करेंगे, कैसे सहेंगे। लेकिन ये जम्मू के डोगरों के मान और सम्मान की बात है, जो आखिरी दम तक डोगरा लड़ेगा। जे हम गोवर्धन मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जम्बाल जी जहाँ पे आए, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जम्बाल जैसे योद्धा है जो 100 बंदों की टुकड़ी लेके गिलगित चाइना तक लास्ट अपनी जान गवा के आए थे, युवा राजपूत सभा का एक एक सिपाही जब तक इनकी सांसों में प्राण है ये छुट्टी के पीछे नहीं हटेंगे, सरकारें चाहे कोई भी हो। लेकिन आज गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि इस मंच पे हमने पूरे जम्मू की सरकारों को इकट्ठा कर दिया जी भाई एक पार्टी के। हम पूछना चाहते हैं जम्मू के लोगों से, आप इनसे पूछिए कि ये खुल के समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं। आखिर में यार जानना चाहूंगी, जितनी भी पार्टी से पहले जो है महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की जब भी बात आती थी तो वो कोई बात नहीं करके राजी होती, या कोई बयान जिनका नहीं आता था उनको लेकर कहा जाता था कि हम महाराजा विरोधी पार्टीज हैं। तो आज जो भाजपा कहीं नजर नहीं आ रही, तो क्या जनता का, युवा राजपूत सभा का, शिवसेना का या डुग्गर प्रदेश के लोगों का मन जो बदलता नजर आ रहा है कि कहीं भाजपा को भी लेबल तो नहीं कर दिया जाएगा कि वो भी महाराजा विरोधी पार्टी है? महाराजा ही नहीं, आज वो जन विरोधी पार्टी बन चुकी है, जनता से पूरी तरह से उनका संपर्क टूट चुका है। आज वो अहंकार के अंदर इतने चूर है कि जनता की आवाज तक सुनने को तैयार नहीं है। अपने जम्मू वासी जिन्होंने उनको जो है सत्ता के अंदर पहुंचाया, 25 सीटें यहाँ पे विधानसभा की पहली बार इतिहास रखा के BJP वालों को जिताकर वहां पहुंचाया विधानसभा में जम्मू कश्मीर की, उस जनता की आवाज सुनने को तैयार नहीं है। ये BJP को बहुत महंगा साबित होने वाला है, जनता अब इनका असली चेहरा जनता के सामने बेनकाब हो चुका है। इलेक्शन में लगता है इसका नुकसान होगा भाजपा को? मैडम राजनीति पे बात नहीं करेंगे, भाजपा इलेक्शन लड़े नहीं लड़े, इलेक्शन होगी नहीं जम्मू कश्मीर में, होनी कहाँ है? अगर इलेक्शन वाले हालात होते तो हमें छुट्टी मिल गई होती। इन्होंने पहली सरकारें पहली जो सरकारें थी वो जम्मू के लोगों को दिबाती थी, इन्होंने ऐसा बुलडोजर लाया वो कुचलने का काम कर रही है। तो हमने साफ तौर पर सुन लिया कि यहाँ पर शिवसेना ने भी जो है युवा राजपूत सभा का समर्थन किया है, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू ने भी जो है वो महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी का जो लेकर एक ही सवाल जो है वो बार बार पूछा ये जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो ये कहती थी कि हम जनता की आवाज है, भारतीय जनता पार्टी जो ये कहती थी कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन पर छुट्टी होनी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी कि हम डोगरों की भी आवाज है, वो कहीं नजर